काशी बने हैं उनको सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं, ऐसे लोगों को शायद ही इन्विटेशन मिला होगा। कोई नाई कोई देवी कोई मल्ला कोई जुलाब कोई पलवाड़ी कोई मध्यवाले मास्टर कोई अहीर कोई पेपर वाला, ये काशी को कैसे बनारस बनाया उनके जीवन के रस से, उसके कहानी इस पुस्तक में। वैसे शहरों के बारे में लेख पुस्तक दुनिया में बहुत सारे, वाशिंगटन के बारे में भी है पुस्तक, दिल्ली के बारे में पुस्तक है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रामन जी ने भी एक पुस्तक के दिल्ली के संदर्भ में, आज जो दिल्ली है वो सातवीं आठवीं दिल्ली है, दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में। युग युगीन ऊंचे युग युगीन अयोध्या युग युगीन, कई ऐसे काशी के बारे में पुस्तकें लिखी गई, वहां के स्थल महात्म्य को बताए गए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पुस्तकें लिखी जाती हैं, वहां की कहानियों के संदर्भ में पुस्तकें छपी हैं। मुंबई गीत करके एक जयंत कायकनी कन्नड़ के एक लेखक ने एक दीर्घ लेख लिखे, पढ़ते 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 ऐसे लगता था जैसे हम मुंबई में ही जा रहे हैं, इतना अद्भुत परिचय मुंबई का उन्होंने। ऐसे शहरों के बारे में पुस्तकें लिखना ये तो होता ही है, लेकिन जिस प्रकार शहर की संस्कृति को शहर के जीवन को जिन लोगों ने अनाम लोगों ने बनाया, अनिर्दिष्टा वीरा अविज्ञाता वीरा, जिनके नाम मालूम नहीं है जिनको कोई पुकारता नहीं है, पुकारते हैं तो नाम से नहीं पुकारते, कैसे पुकारते हैं, अभी गाड़ी में जा प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं चाय बेटे तो में हो चाय ऐसे नाम से नहीं, तो इसलिए नाम से नहीं गए उनके काम से, तो वही काम उनके नाम हो गए। उन लोगों ने जीवन के एक संस्कृति को, जीवन के प्रवाह को, जीवन के ताने बाने को बनाए रखने में अद्भुत भूमिका निभाई। राय साहब ने इस समाज के इस समूह को इस समुदाय को अपरिहार्य कहा है, मैं इनको अविभाज्य अंग कहूंगा। समाज बनता किस, समाज केवल राजा उनके कारण बनता है, समाज केवल ज्ञानी पंडितों के कारण बनता है, समाज केवल कलाकार संगीतकारों के कारण बनता है, बिल्कुल उनके श्रेष्ठ स्थान है, समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य उन्होंने जरूर किया है, इसलिए वो वंदनीय है। तो लेकिन समाज में ऐसे लोग ही हैं जिनको आपने पद्मश्री के बारे में बताया, अभी पिछले 5-8 साल 10 साल में पद्मश्री केवल बड़े शहरों में रहने वाले चमक के दुनिया में रहने वालों को ही मिलना चाहिए ऐसे नहीं है, और समाज में ऐसे लोग जिनके बारे में उनके कार्य के बारे में लोग जानते नहीं थे लेकिन जानने से प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड देने की प्रथा भी प्रारंभ हो गई है भारत में।